दोस्तों मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेटिक तो का फिर स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है एक कमेंट आया था मेरे व्हाट्सएप पे कि इस टाइप ऑफ बोर्ड का वायरिंग बताइए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपके पास भी अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन या आपके पास उस टाइप से बोर्ड है जो आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप या मेरे कमेंट बॉक्स में वो मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये जैसे बोर्ड था तो इसमें एक फ्यूज लगाया, मैंने फ्यूज लिख दिया। ठीक है, ये फ्यूज है, ये इंडिकेटर है, दो स्विच का यूज हुआ है और एक पाइपिंग सॉकेट। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो हमारा फ्यूज का वायर आएगा, ठीक है, फ्यूज दिया हुआ तो हमारा जो फ्यूज का वायर आएगा, जो हमारा लाइन का वायर रहता है, ठीक है, एल जो हमारा लाइन वायर रहता है, जो फ्यूज वायर रहता है, जो हमें टेस्टर से चेक करते हैं, वो हमारा फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में जाएगा और बाकी दो जो ये होता है स्विच, ठीक है, स्विच के नीचे टर्मिनल हमारा मेन जाएगा और इंडिकेटर में जाएगा। तो ठीक है, जब हमारा फ्यूज से आउट करेगा या आउट करेगा तो हमारा एक इंडिकेटर में जाएगा, एक इस जगह आएगा इस स्विच में और एक इस स्विच में। ठीक है, हमारा जो शॉर्ट करेगा हमारा जो फ्यूज वायर आएगा वो एक इंडिकेटर में जाएगा और दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल जाएगा। आपको ध्यान देना है इस जगह, ठीक है, अगर सॉकेट है तो इस जगह आपका एन होगा और इस जगह एल होगा। तो जहाँ एल का होगा स्विच से, जो स्विच से आपको ऑपरेट करना है, अगर उसका बगल वाला स्विच से आप ऑपरेट करें तो उस स्विच से एक वायर आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो फेज का काम है वो कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रल का, ठीक है, आपका जो न्यूट्रल का वायर आएगा, ठीक है, न्यूट्रल का वायर कहाँ पड़ेगा आपको जरूरत, बस यहाँ पड़ेगा एक और एक जरूरत पड़ेगा यहाँ पे इंडिकेटर में। ठीक है, तो इस न्यूट्रल का वायर को हम ऐसे शॉर्ट कराते हुए यहाँ कर देंगे, हमारा जो न्यूट्रल का वायर आ पाएगा यहाँ पे एक इन कराना है और एक यहाँ इन कराना, दो जगह। ठीक है, इसके बाद आएगा अगर बॉडी अर्थिन, बॉडी अर्थिन आपकी अगर यहाँ पे है, ठीक है, बॉडी अर्थिन अगर आया हुआ है तो बॉडी अर्थिन कहाँ पे जरूरत पड़ेगा, बॉडी अर्थिन का जरूरत आपको पड़ेगा इस जगह पे। ठीक है, बॉडी अर्थिन का जरूरत पड़ेगा इस जगह। इसके बाद आता है इन्वर्टर का वायर, अगर बाय द वे आपके पास इन्वर्टर का वायर आया हुआ है, ठीक है, अगर इन्वर्टर का वायर आया हुआ है तो जैसे इस स्विच या इस स्विच में आपको इन्वर्टर का यूज करना है तो उस जगह इस इन्वर्टर का वायर को आप यूज कर सकते हैं, इस वायर को निकाल के। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये वायर है वो दो वायर दोनों साथ में जाए, एक वायर को आप निकालने के बाद आप इन्वर्टर का वायर का यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो के इतना ही है डायग्राम और मैं इसका बोर्ड नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।